आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो द क्वेश्चन इज 25 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड इज डिसॉल्वड इन इनफ वाटर टू मेक व्हाट, टू मेक माय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड द पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन इज 2.19। देन द के ए और द एसिड आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ माई फॉर्मिक एसिड इज वॉट। तो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि जो मेरा फॉर्मिक एसिड है विच इज एच सी ओ एच, ये क्या है, इसके 25 मोल्स मेरे डिजोल्व हो रहे हैं पानी में टू मेक वॉट 1 लीटर ऑफ माई सोल्यूशन, है ना। और इस सोल्यूशन का मुझे क्या गिवन है, सोल्यूशन का मुझे गिवन है पी एच, जो कि कितना गिवन है मुझे 2.19। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो फॉर्मिक एसिड है इसका जो के ए है या फिर इसकी जो एसिड आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एसिड आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है उसकी वो क्या है, ये मुझसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अपने इस फॉर्मिक एसिड की विच इज़ वॉट एच सी ओ ओ एच, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये पानी में डिजोल्व हो रहा है ना। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूँ यहाँ पर, तो ये क्या होगी, ये बना लेगा मेरा एच सी ओ नेगेटिव आयन प्लस हाइड्रोनियम आयन एच थ्री ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो इनिशियली इसे कितने मोल्स हैं, 25 मोल्स हैं, है ना, 25 मोल्स डिजॉल्व हो रहे हैं। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर इसके, तो यहाँ पर ये 25 मोल्स था, ठीक है, इसके भी 25 मोल्स होंगे और इनिशियली जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं दैट मीन्स ये जो आयन्स हैं उनके 0 मोल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम इसमें से कुछ डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो लेट्स से हम अज्यूम करते हैं वो एक्स मोल्स डिसोसिएट हो जाएंगे इसमें से, सिमिलरली इसमें से भी, और यहाँ पर कितने फॉर्म होंगे, उतने ही बनेंगे जितना उसमें से डिसोसिएट हुए हैं एक्स आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ अपने पीएच की, तो पीएच होता क्या है मेरा, पीएच मेरा होता है, पीएच मुझे बताता है मेरे जो हाइड्रोनियम आयन्स या फिर जो मेरे एच प्लस आयन के कंसनट्रेशन, और पी एच इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, या फिर अगर मैं इस केस में बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस लॉग ऑफ माई हाइड्रोनियम आयन्स, ठीक है। तो जो पी एच की वैल्यू है मैं वो गिवन है, वो कितनी गिवन है 2.19, है ना। तो यहाँ अगर मैं लिख लूँ उसको तो ये हो जाएगी मेरी 2.19 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग एच थ्री ओ प्लस। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है मेरा इस हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन, ठीक है। तो जब मैं इसका कंसनट्रेशन निकालूंगी तो एच थ्री ओ पॉजिटिव अगर हमने कर लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2.19, है ना, और अगर मैं लॉग हटाती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 10^-2.19। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी इस 10^-2.19 को, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 6.45 × 10^-3, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन हो गया विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू वॉट, ये मेरा एक्स की वैल्यू हुई, है ना, ये मैं देख सकती हूँ यहाँ पर जो मेरा हाइड्रोनियम आयन है ये कितना एक्स, है ना, एक्स की वैल्यू है ये, तो दिस इज एक्स इज इक्वल्स टू कितना 6.45 × 10^-3। अब मुझे क्या निकालना है, क्वेश्चन में मुझे उनसे पूछा है कि जो मेरा एसिड आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट विच इज के ए, वो मुझे निकालना है इस रिएक्शन के लिए, इस फॉर्मिक एसिड के इस रिएक्शन के लिए। तो क्या होता है ये होता है मेरा प्रोडक्ट के कंसनट्रेशन अपॉन व्हाट, माय कंसनट्रेशन ऑफ माय रिएक्टेंट, है ना। तो अगर मैं इनके कंसनट्रेशन लिखूँ एच सी ओ नेगेटिव का कंसनट्रेशन इनटू व्हाट, हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन मेरे, ठीक है, अपॉन व्हाट, जो मेरा फॉर्मिक एसिड है उसका कंसनट्रेशन। अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि मैंने इसके यहाँ पर वाटर का कंसनट्रेशन क्यों नहीं लिया, तो वाटर कैसा प्रेजेंट है मेरा, वाटर जो है मेरा वो मेरा प्योर वाटर प्योर स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसकी एक्टिविटी क्या होती है, इसकी एक्टिविटी प्योर स्टेट में होती है 1, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो के का एक्सप्रेशन है इसमें हम वाटर का कंसनट्रेशन को इग्नोर करते हैं, ओके, क्योंकि वो यूनिटी है, ओके। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनके कंसनट्रेशन की इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स एक्स, और जो मेरा एसिड उसका कंसनट्रेशन कितना ले लेंगे हम 25 − x, है ना। तो अगर मैं इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करूँ तो ये हो गया मेरा एक्स इंटू एक्स अपॉन वॉट 25 − x। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 25 − x, ओके। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही ली थी, तो ये हो जाएगा 6.45 × 10^-3 होल स्क्वायर अपॉन 25 − 6.45 × 10^-3, ठीक है। तो जब मैंने इसको पूरे को कैलकुलेट किया तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास आंसर आएगा 1.73 × 10^-6, या फिर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1.7 × 10^-6, जो कि क्या है मेरे एसिड आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू, ठीक है। सो जो क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा था कि जो मेरा के है फॉर्मिक एसिड का वो कितना होगा, तो वो अगर मैं ऑप्शन नंबर थर्ड देखूँ अपना, तो इट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू वॉट 1.7 × 10^-6, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।